तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला फ्रेंड्स, वो टॉपिक है आपका कि आप वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि आप वीडियो को अपलोड करते हो, तो आप वीडियो को अपलोड करते टाइम ऐसी कई सारी गलतियां करते हो जिससे कि आपके जो व्यूज नहीं आ पाते हैं, आपके चैनल ग्रो नहीं हो पाता है, और आपके जो भी आपका टैग लगाते हो कुछ भी टैग वायरल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किस तरीके से आप वीडियो को वायरल कर रहे हैं, और आपको वीडियो वायरल करने में चीज कौन सी है जो बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज आप नहीं डालते हो जिससे कि वीडियो को वीडियो शूट करने के बाद फ्रेंड्स आपको मैं दिखा रहा हूं, और वीडियो शूट करने के बाद सीधा यही वीडियो इसको एक्सपोर्ट करके और सीधा इसको मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं। तो फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ी गलती करता हूं फ्रेंड्स मैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाई और सीधा मेरे कंटेंट जैसे मैंने बनाया, अपना वीडियो बनाया और इसे सीधा उठा के मैंने डाल दिया, और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बेकार और सबसे बड़ी गलती मैंने यही कर डाली और फ्रेंड्स बता दूं, गलती ये थी मेरी कि जब मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट किया तो फ्रेंड्स उसमें रीनेम नहीं किया। जो अपने वीडियो को मैंने एक्सपोर्ट किया, वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद उसमें फ्रेंड्स क्या लिखा रहता है पता आपको? अनलिस्टेड लिखा रहता है फ्रेंड्स। उससे क्या होगा, आप किसी भी गाने को सर्च मारते हो, एक बात जरा ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको काम की बात बता रहा हूं, आपको वीडियो अपलोड करने का ना ऐसा बेहतरीन तरीका बता रहा हूं कि आपका वीडियो पे भी व्यूज आएंगे फ्रेंड्स। आज नहीं आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, पर एक ना एक दिन वो वीडियो आपकी वायरल जरूर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि सही बता रहा हूं, ये वीडियो की वायरल एक ना दिन वीडियो वायरल होनी ही होनी है। तो आपको कैसे करना, क्या करना, देखो आपने जब भी वीडियो शूट करते हो एज अ फेस कंटेंट या फिर एज अ कोई सा कंटेंट आप शूट करते हो, मैंने शूट किया, आपने शूट किया, सपोज दैट, फिर क्या करते हैं हम कि वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, एडिटिंग करके एक्सपोर्ट करके सीधा उसे अपलोड कर देते हैं। आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूं, सभी यूट्यूबर करते हैं फ्रेंड्स, जो भी छोटे छोटे क्रिएटर हैं सभी यही करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसे एडिट करते हैं और सीधा उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये नहीं देखते कि उसमें मैं अब क्या गलती कर रहा हूं। आप अभी फ्रेंड्स नहीं सोच रहे कि मैंने क्या गलती किया उसमें, आप अभी के दिमाग में, अभी भी आपके दिमाग में बात नहीं आ रहा होगा कि मैंने गलती क्या किया। तो फ्रेंड्स उसमें आप क्या गलती करते हो, उसमें आप एक गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो फ्रेंड्स, आप अपने जो भी वीडियो होता है उसको रीनेम नहीं करते हो। जैसे फ्रेंड्स मैंने बनाया आज की वीडियो कि 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, ठीक है फ्रेंड्स, आपने क्या बनाया आज की वीडियो 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, आपने वीडियो में तो भाई बता दिया, आपने भाई वीडियो में बता दिया 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, आपने वीडियो को अपलोड कर दिया, पर यूट्यूब के एल्गो को कैसे पता चलेगा भाई, यूट्यूब के एल्गो को कैसे पता चलेगा कि आपने किस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाई, क्योंकि यूट्यूब के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी वीडियो को वॉच करे, देखे, वो सिर्फ आपके टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन या इसी के ऊपर भी काम नहीं करता है, वो तो मेन होता ही होता है, बट लेकिन आपका वीडियो जो आपने अपलोड किया है वो किस चीज के ऊपर है भाई, उसे कैसे पता। तो आपको रीनेम करना पड़ता है, रीनेम जैसा फ्रेंड जानते हो, किसी भी फाइल को अपना नाम देना है या किसी चीज के ऊपर नाम देना है तो जरूरी ही होता है। एक बात मेरे ध्यान से सुनना दोस्तों, आज ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया भाई, रीनेम वाला, ये ध्यान रखना कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये ट्रिक नहीं बताया जो बता रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना, उस फाइल को रीनेम करना है। जैसी आप रीनेम कर लोगे तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि रीनेम, जैसी मैंने कंटेंट बनाया कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, 1000 सब्सक्राइबर्स आप कैसे बढ़ाए, तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे, उस फाइल का नाम ही 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, ये कर देना है आपको। ध्यान रखना भाइयों जो बता रहा हूं बात में, कि आपको क्या करना है, 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ये आपको नाम दे देना उस फाइल का। जैसे उस फाइल का आप ये नाम दे दोगे कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, फ्रेंड्स 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपके 4 से 5 व्यूज आते हैं फ्रेंड्स, लिख के दे रहा हूं मैं, अगर 4 से 5 व्यूज आते हैं तो 20 से 25 व्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फ्रेंड्स मैं लिखित और दावे के साथ और ठोक के बोलता हूं फ्रेंड्स, अगर आपके जो प्रेजेंट टाइम पे व्यूज अगर 4 से 5 आते हैं ना, आपके वही व्यूज आपके 25 से 30 में कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट सब्सक्राइबर्स के।
फ्रेंड्स आप जानते हो कि फर्स्ट ब्लॉग लिखते ही फ्रेंड्स वीडियो वायरल कैसे होती है पता है आपको? कोई भी बड़ा क्रिएटर आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको वीडियो को अपलोडिंग करते टाइम पे, वो एडिटिंग के टाइम पे क्या कैसे चीजें लिखी जाती है, ऐसी क्या क्या बातें लिखी जाती है फ्रेंड्स, उससे आपकी वीडियो वायरल होगी। फ्रेंड्स आपको पता है कि वीडियो के अंदर भी 1000 सब्सक्राइबर्स लिख दोगे अपना तभी वीडियो वायरल हो जाएगी, ये आप जानते हो? नहीं जानते होगे फ्रेंड्स। वो डाल के आपको हाइड करना होता है, उसको छुपाना होता है, वो फ्रेंड्स अभी बताऊंगा आपको मैं वो सारी चीज। अभी वीडियो को आप देखोगे मेरी आज की ना तभी जानोगे। अभी बताऊंगा रीनेम कैसे करते हैं फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको रीनेम करने का ऑप्शन नहीं आता है, वो दिखाऊंगा कहां से निकाल के आपको रीनेम करना है। तो मेरी वीडियो में आज पूरे बने रहे तभी आप जान पाओगे रीनेम उसे कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए फ्रेंड्स मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो आपको दिखाऊंगा कि आपको रीनेम कैसे करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने काइंड मास्टर में जाता हूँ। तो फ्रेंड्स काइंड मास्टर में जैसे ही जाता हूँ तो फ्रेंड्स काइंड मास्टर मेरी एक फाइल है, एक काइंड मास्टर मेरी एक फाइल है जो कल की वीडियो है फ्रेंड्स। इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को आपको किस तरीके से इसको अपलोड करना है और इसको आपको कैसे इसको अच्छी तरीके से बनाना। जैसे फ्रेंड्स देख पाओगे इस फाइल को फ्रेंड्स मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ये मैंने फाइल को एक्सपोर्ट कर दिया। फ्रेंड्स एक्सपोर्ट करने में जो भी टाइम लगता है वो आपके फोन के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स? देख पाओगे अपलोडिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स अपलोडिंग आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फोन का प्रोसेसर कैसा है। अगर फ्रेंड्स आपके फोन का प्रोसेसर अच्छा खासा है तो आपका वीडियो जो अपलोडिंग होगी काफी अच्छी हो जाएगी और जल्दी से फास्ट होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वो गलती कौन सी करते हो। फ्रेंड्स देख पाओगे अभी वीडियो अपलोड हो रही है, तो वीडियो अपलोड होने के बाद आपसे हम बात करते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड्स देख पा रहे हो मेरी जो एक्सपोर्टिंग मेरी अभी क्लियर होने वाली है, खत्म होने वाली है फ्रेंड्स। मैं एक्सपोर्ट जो है मैंने वीडियो को पूरा कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख पाओगे यहाँ पे जो टाइटल जो लिखा रहा है अनटाइटल्ड लिखा रहा है, जो मेरी वीडियो का नाम ही फ्रेंड्स आ रहा है वो अनटाइटल्ड आ रहा है। देख पाओगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने एक्सपोर्ट किया है इस जगह पे अनटाइटल्ड लिखा रहा है फ्रेंड्स, अनटाइटल्ड। तो फ्रेंड्स इसको आपको यहाँ पे नाम लिखना है। कैसे लिखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर जाना है। होम स्क्रीन पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के गैलरी में जाना है या फिर फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आएगा, जैसे फ्रेंड्स इसमें जाओगे तो काइंड मास्टर के नाम से एक फोल्डर बन जाता है। काइंड मास्टर के फोल्डर में जाने के बाद आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा और एक्सपोर्ट का ऑप्शन जैसे ही आप देख पाओगे फ्रेंड्स ऊपर की जो भी मैंने वीडियो बनाई है, जिस कंटेंट के ऊपर बनाई है, जिसके ऊपर बनाई है वो चीज़ मैंने नाम लिख रहा है। जैसे देख पाओगे 48 आवर्स में 1K सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट कर, जैसे देख पाओगे सेकंड वीडियो थी फ्रेंड्स मेरी सौरभ जोशी, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और देख पाओगे मैंने वो चीज़ किया। तो फ्रेंड्स आपको भी देख पाओगे फ्रेंड्स ये वीडियो है, इस वीडियो को सीधा करोगे तो यहाँ से प्ले हो जाएगी, यहाँ से सीधा वीडियो प्ले होता है। देख पाओगे अनटाइटल्ड लिखा है। तो फ्रेंड्स आप क्या करते हो अनटाइटल्ड ही अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख पाओगे दो डॉट दिखेगा और मोर लिखाएगा, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करने के बाद आपको रीनेम कर देना है। तो रीनेम करने के बाद जिस कंटेंट के ऊपर भी आपने वीडियो बनाया, जैसे मैं सपोज डेट ये सौरभ जोशी के ऊपर वीडियो बनाई है मैंने, तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स इसमें हम सौरभ जोशी लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स? जैसे मैंने सौरभ जोशी के ऊपर लिख के मैंने इसको क्लिक करके और फ्रेंड्स ये बता रहा है कि एक ऑलरेडी नेम है तो थोड़ा सा इसको हम एडिट करके हम यस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देख पाओगे सौरभ जोशी के नाम से ये वीडियो मेरी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो यूट्यूब का एल्गो पकड़ लेगा कि इस वीडियो के अंदर जो बंदा बता रहा है, जो समझा रहा है, वो सौरभ जोशी के ऊपर बता रहा है, उसको समझा रहा है, तो ये वीडियो मेरी चलने के काफ़ी चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी वीडियो को यहाँ से उठा के सीधा आप अब ये अपलोड कर सकते हो। तो जैसा फ्रेंड्स जो भी मैंने बताया आपको अगर ये समझ में आया तो इस तरीके से आप रीनेम करके अपनी फाइल को आगे बढ़ा सकते हो। अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।